जो नीचे का हमारा मतलब कि प्राइवेट एरिया का जो बाल होता है, तो क्या वो साफ करना सही है, जरूरी है, कितना जरूरी है? तो देखो, जिस तरीके से मैं बात करूँ, तो जैसे जो पुरुष लोग होते हैं अपने दाढ़ी मूँछ को साफ करते हैं, उसको सेप करते हैं, बनवाते हैं, उसी तरीके से आपका जो पार्ट्स होता है नीचे का, वहाँ के भी जो बाल होते हैं उसको साफ करना जरूरी होता है। पहले ये समझिए कि अगर ज्यादा दिन तक उसी तरीके से उसको छोड़ देते हो, तो वहाँ पे कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं, वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगे, और वो उत्पन्न ज़्यादातर आपके पसीने से होते हैं। वहाँ पे पसीने होंगे, पसीने से बदबू पैदा होगा, बदबू से हानिकारक बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपको जलन होगा, खुजली होगा, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे मतलब बेटर ये रहता है कि आप सेव कर लो, उसको साफ कर लो। और कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे कि लोगों को किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे कट लग जाते हैं या किसी तरीके से सही से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग चालू होने लगती है। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप कोई घरेलू नुस्खे से साफ कर सकते हो, कोई मशीन से भी साफ कर सकते हो, जैसे आपको सिंपली लगे, ये आपके ऊपर है। दूसरी बात की करने ना करने की बात है, तो हम यही बोलेंगे कि हर किसी को करना चाहिए। जैसे जेंट्स लोग अपनी दाढ़ी मूंछ को सेव करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, वो पार्ट है हमारे शरीर का भी एक जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, उसको भी साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो मतलब कि कहते हैं ना कि आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है, दूसरी बात की एलर्जी से भी बचाने का काम करता है।